पटियाला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला फूंका गया। इसका कारण यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने लुधियाना के बीजेपी के एक सम्मेलन में सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के वाणी को गलत बखान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंजाब सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो वह धरना प्रदर्शन और सख्त विरोध करेंगे। कुछ दिन पहला लुधियाना विखे भाजपा वालों रखे गए एक समागम के नवजोत सिंह सिद्धू वालों पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की बाणी को त्रोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। असी समुची सिख कौम इसकी घोर निंदा करते हाँ। अज इत्थे उसके प्रोटेस्ट वजो नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला साड़िया गया है तो असी पंजाब सरकार को सख्त ताड़ना करते हाँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिता जाए, नहीं तो असी इसे होर प्रोटेस्ट करांगे। वहीं दूसरी तरफ इस पर बोलते हुए हरदेव सिंह आकड़ी दफ्तर इंचार्ज शिरोमणि अकाली दल पटियाला ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को निवेदन किया है कि सिख रहत मर्यादा के मुताबिक बनती कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सिख को गुरु साहिबान की बाणी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने समूह सिखों को अपील की कि वह बाणी को शुद्ध उच्चारण करे। दिनी जो शाह नवजोत सिंह सिद्धू ने लुधियाने की धरती के उत्ते एक श्लोक के अर्थ जिहड़े आ वह गलत बयान करके सिखां दे हिरदिआं नूं बड़ी सट मारी, क्योंकि किसी भी सिख नूं यह अधिकार नहीं है कि गुरु साहिबान की रचित बाणी नूं वह तोड़ मरोड़ के पेश करे। सो मैं बेनती करदा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहिबान नूं कि वह इन्हां दे विरुद्ध जो कार्रवाई बन सकती है सिख रहत मर्यादा के मुताबक वो तुरंत करनी चाहिए। पटियाला से इंडिया 24 की रिपोर्ट।